हरियाणा के शराब तस्कर अब भारत सरकार के ऑन ड्यूटी के फर्जी वाहनों से शराब तस्करी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक नितिन दीप बलगन के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ब्यावर और विजयनगर थाना पुलिस ने मंगलवार रात बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 3 ट्रकों से 70 लाख कीमत की हरियाणा निर्मित अंग्रेजी अवैध शराब सहित 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक नितिन दीप बलगन ने बताया कि मंगलवार रात को मुखबिर की सूचना पर हाईवे पर नाकाबंदी की तो अजमेर की ओर से आ रहे हरियाणा नंबर के ट्रक को रोककर तलाशी लेने पर फर्नीचर के नीचे अवैध रूप से छुपाई गई विभिन्न ब्रांड की लगभग 705 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली, जिस पर ट्रकों को जब्त कर चारों तस्करों को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी कल और आज की डेट में विजयनगर थाना और ब्यावर सदर ने शराब के बड़े सीजर्स किए हैं। विजयनगर थाने में 2 ट्रक शराब के पकड़े गए हैं, जिनमें एक ट्रक के ऊपर ये आर्मी का ट्रक का रूप देकर उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि सरकारी मतलब भारत सरकार का वो लगा हुआ था, और उसमें कुछ फर्नीचर का सामान रखा हुआ था जिसके नीचे शराब की पेटियां भरी हुई थी। साथ ही आज सुबह एक ट्रक 10 चक्का ट्रक वहां पर पकड़ा गया है, और ब्यावर सदर में ही ऐसी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी और उसमें शराब का माल पकड़ा गया है।